तो महबूब कुमार आप देख रहे हैं मोबाइल की है। तो दोस्तों आज की जो है बड़ी कमाल की होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न बिताते हुए। बस आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाले बटन नीचे को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आज की जो ऐप है ये है 3D बेस पे। इस पर आप 3D कार्टून्स बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं 3D कार्टून्स, जैसे मॉडलिंग डिज़ाइनिंग करते हैं, वैसे आप अब अपने आप फ़ोन से कर सकते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए देख लेते हैं कि कौन सी ऐप है। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए मैं शुरू करता हूँ। मैं ओपन करता हूँ ऐप। ऐप का नाम है जर्की मोशन। मैंने इस पर क्लिक किया और ये ऐप बड़ी ही कमाल की है दोस्त। मैंने इसको देखा एकदम जैसे आप कंप्यूटर में देखते हैं कि जैसे 3D कार्टून्स बनाए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं, सेम टू सेम इसमें कुछ बने बनाए पहले से आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे जिसको आसानी से आप खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर पहले से ही अनलॉक है, बाकी सब पे लॉक लगा हुआ है। ये देखिए सब पे लॉक लगा हुआ है। मैं आइए जो अनलॉक है केवल उसी को दिखाता हूँ आपको, बाद में ये भी हम अनलॉक इसको भी जो लॉक है उसको भी करेंगे। तो चलिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब ये कैरेक्टर मेरे पास आ गया। अब इसको मैं जो चाहूँ वैसा एनिमेशन करा सकता हूँ। देखिए हर जहाँ इसकी जगह पे एक डॉट डॉट का सिंबल यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं इसके हाथ से देखो ये हाथ को हिला सकता हूँ, यहाँ से पैर को, यहाँ से कमर को, सॉरी सही से हो जाए भाई, ठीक है, यहाँ से इस पैर को, यहाँ से इस हाथ को, यहाँ से सर को, और थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए तो ये बड़ा ही अच्छा खासा एनिमेशन है दोस्तों। देखिए मैं यहाँ से अब इसको अब एनिमेशन करना शुरू करना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नीचे एक प्ले का बटन है और एक ये जो रिकॉर्डिंग करने के लिए लाल कलर का बटन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और मैं इसको देखिए मैं इसको थोड़ा बहुत मूव करता हूँ दोस्तों। चलिए मैं स्टॉप करता हूँ, अब मैं प्ले करता हूँ शुरू से। कहाँ से होगा भाई, ये देखिए अब ये प्ले हो रहा है जैसे मैंने इसको किया था सेम टू सेम। ये पॉज करता हूँ और यहाँ पे देखिए ऊपर 3 डॉट्स बने हुए हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला है माइक का, इसमें आप साउंड डाल सकते हैं। दूसरा है कैमरा का, यहाँ से आप अपना कैमरा का एंगल चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आप कैमरे का एंगल ये जो पहले से हमने सेट कर रखा है ये ऐसा है कि अगर आपकी ये बॉडी जहाँ भी जाएगी उस साइड में कैमरा मुड़ जाएगा। और ये दूसरा वाला है जो ये फ्री है, जहाँ पे आप कैमरा को ले जाना चाहे वहाँ पर ले जा सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि आपकी बॉडी बार बार इधर उधर हो जाती है तो कैमरा का एंगल फिर भी आपको ठीक करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको नहीं किया हुआ है। दूसरा है फेस, फेस पे कुछ एक्सप्रेशन वगैरह आप लाना चाहें। देखिए इसकी आँख सही से नहीं है, तो यहाँ पर मैं आई पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट आई, देखिए सामने हो गए, ये भी सामने हो गया। और फेस में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, आईब्रोज ऊपर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप फेस के इसके बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। इसके बाद यहाँ पे साइड में आते हैं, यहाँ पे आप साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे करके। और यहाँ पे आए तो यहाँ पे बहुत सारे हैं क्या कहते हैं फिल्टर्स, आप फिल्टर्स यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे कोई फिल्टर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, अब बाकी आप करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए मैं इस पर क्लोज करता हूँ, कट जा भाई, ठीक है, आइए मैं वापस से आ जाता हूँ। अब मैंने ये जो बनाया है, ये जो कर रहा है ना, जितना मैंने एनिमेशन इसको किया है, इसको मैं सेव करना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे वीडियो साइड में, देखिए यहाँ पे कॉर्नर में एक निशान बना हुआ है वीडियो का, देखिए ये तो उसके लिए है जो आप साउंड डालेंगे, सॉरी ठीक नहीं हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसमें देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं, राइट फ्लोर, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड शोल्डर, इसमें जो भी आपने एनिमेशन लगाया है
वो इन्वेशन भी यहाँ पे आपको सारा दिखता रहेगा कि यहाँ पे आपने कौन सा इन्वेशन किया है, किस हाथ पे उसको हिलाया, लेफ्ट को, हिप्स को, या फिर लेफ्ट हैंड को, जो भी हैंड आपने इसको मूव किया होगा इस साइड से उस साइड, वो सारा इसमें दिखाता रहेगा। अब आइए, बहुत दूर चला गया है, और पास बुलाते हैं इसको, फिर से एक बार प्ले करके देखते हैं कैसा चल रहा है। ठीक है, इसको नीचे कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब स्टॉप करते हैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, तो लिखा है क्रिएट वीडियो वॉच यूज़र वीडियो, तो मैं इसको क्रिएट वीडियो करता हूँ, और 1 2 3 टाइम लेगा। चलिए, सेव हो रहा होगा, आई थिंक सेव होते ही ये मुझको दिखा देगा कि आपका वीडियो सेव हो गया है। इस पर देखिए, मैं ज़्यादा कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ आपको, बस जल्दी से आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब ये सेव हो गया है। आइए, मैं बैग आता हूँ, बैग आता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि ये वीडियो कहाँ सेव हुई है। अब मैं आ गया यहाँ पे, और ये रही वीडियो। इसमें मैंने कोई साउंड नहीं डाला है, बस मैंने ऐसे केवल थोड़ा सा एडमेंशन किया हुआ है इसमें, ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू मिल जाए, और इसको आप बड़ी आसानी से सेव कर लिए हैं। तो दोस्तों, ये ऐप आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।